ये आपका टेलीफोन है क्या? देखो इन्होंने रखा है इमरजेंसी के लिए, बात करने के लिए। सही है। इसे टांग के लेके जाते हैं। ये तो जैसे हमारी मम्मी लोग गांव में करती है, वो वेटर वेटर बनाती है ना। वर्ल्ड वॉर टू की म्यूजियम देखी है? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखी है। पता नहीं मेरे को सब बम रखे हुए हैं। थेकुरुनोमा जोसमा विलेज। My friend Sanjiv is enjoying plus plan. She is enjoying a lot. Hello everyone, कैसे हो आप लोग? So Nagaland में आज मेरा पांचवा दिन है और आज का प्लान था मेरा खुनुमा विलेज जाने का, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने लेट कर दिया, जिसके चलते हमने खुनुमा का जो प्लान था वो चेंज करके जोत्सोमा विलेज, जोत्सोमा राइट? हाँ, जोत्सोमा विलेज आए हैं, जो कि कोहिमा से तकरीबन 10 से 20 मिनट के रास्ते में, यानी ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है खुनुमा विलेज, लेकिन बहुत दूर है। तो ये सब यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और ये हैं खुनुमा से, आर यू फ्रॉम खुनुमा राइट? हाँ, बट ये यहाँ पे हॉस्टल रह के पढ़ाई करते हैं, तो रास्ते में ही मिले तो इन्होंने बोला चलो मैं आपको गाइड करता हूँ। थैंक यू ब्रदर फॉर गाइडिंग अस। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शुक्र सर। शुक्र। एंड योर? माय नेम इज एसपी। एंड योर? नेपल्लू। नेपल्लू? बेपल्लू। बेपल्लू, ओके, नाइस टू मीट यू। सो सोचा कि चलो थोड़ा गाँव का भी सैर कर लेता हूँ और फिर चलूंगा खुनुमा विलेज। पहले देखते हैं जोत्सोमा विलेज कैसा है। हेलो, किनका आसो? बाला से। ओ कुछ है, ये कौन सा फ्लावर है भाई, किसी को पता नहीं। क्रिसमस फ्लावर। अच्छा, क्रिसमस फ्लावर। तो अभी जा रहे हैं चर्च में, भाई लेके जा रहे हैं चर्च। मैंने बोला चलो ठीक है घूम लेते हैं, और मैं मौन जाऊंगा तो वहाँ पे अभी एशिया की सबसे बड़ी जो चर्च बनी हुई है, गूगल में अगर मारोगे एशिया की सबसे बड़ी चर्च तो स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा, आप देख लेना। लेकिन अभी जो यहाँ के एक लोकल ने बताया कि दुनिया की नहीं, एशिया की जो सबसे बड़ी चर्च है वो मौन में है, तो जिसकी कैपेसिटी 10,000 है। तो मैं मौन जब जा रहा हूँ, यानी कल जाऊँगा, तो उसको विजिट करूँगा। सो ये रहा चर्च, यहाँ पर शादी चल रहा है, जिसके चलते हमने अपना प्लान चेंज करके, भाई ने बोला चलो आगे चलते हैं क्योंकि किसी की शादी हो रही है, क्या ही डिस्टर्ब करें। यहाँ पर देखो पूरी लकड़ी की घर बनी हुई, ये तो जो वेलकम मूवी है उसकी याद आ गई। यहाँ पर टीन और लकड़ी के घर बने हुए हैं और यहाँ पर साइड में सब लकड़ियाँ, ये सब ऐसे खाना बनाने के लिए, घर बनेगा इसलिए ना। और कौन सा ये है ट्राइब यहाँ का? अंगामी ट्राइब ना। ये क्या बना हुआ है? ये है सर। अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। और खुनुमा किस साइड है? अच्छा, उस साइड है खुनुमा। और वेस्टर्न जूको वैली किस साइड में? ओ, इधर है सर। इस साइड में वो दिख रहा है ना, वो जो दिख रहा है एकदम, वो वेस्टर्न जूको वैली है ना। वहाँ पे देखो जो दिख रहा है आपको, काफ़ी ऊँचा है। आज स्नोफॉल हो रहा होगा? अभी नहीं होगा सर, वो जनवरी टू फरवरी इस टाइम। अच्छा, ने डिसाइड किया कि चलते हैं, स्नोफॉल भी देख लेंगे इसी बहाने मौन जाने से पहले। तो कुछ ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, देखो यहाँ से पूरा ये जोत्सोमा विलेज दिख रहा है। तो जिस पर भी मैं अभी था ना, ये रेस्ट हाउस है। यहाँ पे क्या होता है, यानी शाम में लोग एक साथ बैठ के खाना खाता है हर रोज, कि ऐसे क्रिसमस के टाइम या कोई टाइम फिक्स होता है तब। हाँ ना भाई, तब तो अच्छा है यार कि लोग एक साथ मिलते हैं, पूरे गांव के लोग आते हैं, यानी जैसे एक आसपास का कॉलोनी का लोग ना। देखो ये जो टोकरी है इसको खांग बोलते हैं, इसमें लेके जाते हैं ऐसे रख के, यहाँ से ऐसे टांग के। तो भाई मैंने भी ये खांग पहना है, खांग ना? हाँ, खांग। तो इसमें देखो यहाँ पे रख लेते हैं अनाज और फिर ऐसे कुछ इस तरीके से टांग के लेके जाते हैं। मेरी तो हल्की है, भारी वाली तो और ज़्यादा भारी रहती है। कुछ ऐसा बना है यहाँ पर भी, देखो रेस्ट हाउस बना हुआ है। ऐसे पूरे गांव में एक छोटा छोटा रेस्ट हाउस बना है हर कॉलोनी में, जहाँ पर लोग शाम को मिलते हैं तो वहाँ पर स्टे करते हैं, बैठते हैं, फिर अपनी हंसी मजाक बातें करते हैं। दरवाज़ा खुला है इसका, भागेगा नहीं? ये भागेगा वैसे। बस्ती एरिया में आ गए हैं जोत्सोमा के। डोंट नो, उसको बिल्ली मिल गई है, वहीं पर रही है, उसको भी साथ लेकर आ जाओ। क्या बना रहे हैं?
चिप्स ये क्या है? नागा एप्पल। अच्छा हाँ, ये आपका टेलीफोन है क्या? देखो इन्होंने रखा है इमरजेंसी के लिए, बात करने के लिए। आप लोग का गांव तो काफी अच्छा है। Can I taste one? Mm. Yes, good. You want to taste? Mm. Clan, you want to try? Hello. Okay, thank you. No. One piece. टेस्ट करते हैं, नागा फ्रूट है कोई। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सेव। अच्छा थोड़ा खट्टा लग रहा है। अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू। हाजी ब्रो, ट्राई नहीं किया? अच्छा तुम लोग खाते ही हो। थैंक यू। बाय। अच्छा चलो, फाइनली कोई तो गांव के मिले जिनसे बातें हुई। इसका चिप्स कैसे बनेगा? ये आप इसको काटेगा ना सर, उसके बाद चीनी लगा के सुखाएगा। अच्छा, तो ये चिप्स बन जाएगा। अच्छा आपको तो पता है, आपने बनाया है क्या? मैंने तो नहीं बनाया, पर पेरेंट्स लोग बनाते हैं। अच्छा टेस्ट अच्छा है लेकिन। उधर बनाया हुआ है सर। कहाँ पे गया हुआ है? अच्छा हाँ, वहाँ पे देखो ऊपर में ऐसे उसको स्लाइस में काट के सुखाया जा रहा, तो चिप्स जैसा हो जाएगा ना पूरा। क्रंची क्रंची तो नहीं होगा। अच्छा सॉफ्ट रहेगा। किनका है सो? क्या कर रहे हैं? अरे हम पहले भाई वो इसको जोड़ रही है, बना रही है। अच्छा ये तो जैसे हमारी मम्मी लोग गांव में करती है, वो स्वेटर वेटर बनाती है ना। अच्छा बाय बाय, टेक केयर। कैसे बोलते हैं टेक केयर को तुम्हारे लैंग्वेज में? बाल प्रथा कभी। बाय बाय। इसको मेरे को लगा इसके अंदर कोई ये होगा, पीग उग होगा। पाला हुआ है उधर। कहाँ पे? अच्छा देखो, और ये क्या है? स्क्वाश ना। स्क्वाश इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बॉईल करके खाते हैं। अच्छा पीस करके। हाँ तो जोसमा विलेज तो मैंने देखा, और जब मैं कोहिमा के लिए निकलने वाला था तो मेरे जो भैया हैं जिनकी ये टैक्सी है, तो इन्होंने बोला कि आपने वॉर म्यूजियम, वर्ल्ड वॉर टू की म्यूजियम देखी है? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखी है। तो इन्होंने बोला चलो मैं ही दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला कितने चार्जेस देने होंगे, और एक्स्ट्रा इन्होंने बोला कि कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, आप चलो मैं घुमाता हूँ। तो अच्छा लगा यार यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, कि लोग यानी खुद से घुमा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि चलो आप देख लो, देखते हैं कैसा है म्यूजियम। काफ़ी तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मैं भी खेलूंगा इनके साथ। माय फ्रेंड संजीव इज एंजॉयिंग प्लस क्लैन, शी इज एंजॉयिंग अ लॉट। इनके साथ खेल के काफी मजा आया। और खेलना है क्या? कैलेन वाना प्ले मोर? हाँ तो चलते अब म्यूजियम को एक्सप्लोर कर लेते। पहले आए थे म्यूजियम देखने के लिए, लेकिन अभी भाई लोग के साथ खेलने लगे, थक गया यार। चलते इस म्यूजियम को देखने, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। पूरे पत्थरों से ऐसे बॉर्डर टाइप की बनी हुई है। थेकुरुमो कूदा कुछ ऐसा नाम लिखा है, इसके अंदर चलते हैं। मिक्रो म्यूजियम थेकुरुनोमा जोसमा विलेज, और यहाँ पे देखो स्कल है पूरे। अब रियल है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। सो ब्रदर बता रहे हैं क्या? एक्सप्लेन। अच्छा इससे? या भाई ये देखो कितना निकला हुआ है ये सब। सबसे खतरनाक तो मुझे ये लग रहा है, ये सब डाओ है, डाओ या स्वॉर्ड जो भी बोल सकते हो। These are the things they used in Second World War. Okay. Okay.
They fight in Second World War. अच्छा अच्छा. Okay. तो ये सब World War II के time में मिला हुआ चीज़ है. और ये देखो. ये बम है ना? हाँ. This is bomb. Yes. देखो यार. Grenade type का कुछ ऐसा है. और यहाँ पे देखो ये शायद गोली या कुछ होगा. उतना तो पता नहीं मेरे को. सब बम रखे हुए हैं. डीएक्टिवेट हो चुके हैं सारे. वो लोग ना इसमें वो बोलता है वाइन बना के रखता है इसमें पूरा. हाँ पूरा वाइन. और इसमें क्या रखता है? चावल होगा ना? चावल ना दान होता है ना. हाँ. उसको साफ करके अच्छा पूरा इसके अंदर रखता है. अच्छा अच्छा. ये सब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का है ना. Made from the skin. अच्छा तो ये बियर के यानी भालू के स्किन से बनाया गया है. From the skull. हाँ. या या या. अच्छा रियल है ना ये. हाँ हाँ हाँ. देख रहे हो रियल है. और ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं ना यानी खुद को वॉर में प्रोटेक्ट कर. We need to protect ourselves because of that. Oh yeah. If someone will attack us, then it will protect us. Yeah, protect us. Okay 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 right. Okay. तो काफी अच्छा आप बता रहे हैं. काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. हेलो ब्रदर. Hello, hello. I'm from Kolkata. यहाँ पे चलते हैं. एक कैलिन कहाँ चली गई यार. हिंदी में यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे और अपने नागालैंड के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना. तो बोर हो गई क्योंकि उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो अभी वो कुंजी है उसे एक्सप्लेन कर देगी. और एक कुछ ऐसे बना हुआ है यहाँ पे. ये भी शायद रेस्टिंग पॉइंट लग रहा है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस था. काफ़ी कुछ जानने को मिला. इसी के साथ जोसमा विलेज और ये जो खेल खोलनी है इसको भी मैंने कवर किया थोड़ा. तो काफ़ी अच्छा लगा. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी. और अभी मैं जाऊँगा नागालैंड के बॉर्डर साइड में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो चैनल में बने रहो, वीडियो में बने रहो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. चैनल के सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. ऐसे ही नागालैंड की बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जहाँ पर बहुत लोग नहीं गए होंगे, जहाँ पर कोई ब्लॉगर नहीं गया होगा. जैसे इस जगह पर शायद मैं पहला ब्लॉगर हूँ जो यहाँ पर आया हूँ. तो इसीलिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मैं पहली बार इसको एक्सप्लोर करके आप सभी के साथ और पूरे नागालैंड के लोगों को दिखा रहा हूँ. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार. तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में.